मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांचं आगमन झालं आणि कार्यकर्त्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीवर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जे नवचैतन्य निर्माण केलंय त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के महामंत्री सम्माननीय सुनील राणे जी मंच पर उपस्थित, इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय अनिल ठाकुर जी, पार्टी के माजी अध्यक्ष और मुंबई के नगर सेवक विठल खरटमल जी, जिनका ये कार्यक्रम इतनी आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित दिखाकर आप यहाँ पर आए, ऐसे सुराणा जी मंच पर उपस्थित, नगर सेविका राजश्री शिरवणकर मंच पर उपस्थित, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे मुंबई के 36 विधानसभाओं में मैं घूमता हूं, पूरे मुंबई के 227 वार्डों में मैं घूमता हूं और 6 की 6 लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का काम मैं देखने, करने और उत्साह देने के लिए जाता हूं। लेकिन पूरे मुंबई में सबसे बड़ा और अच्छा अगर कोई कार्यकर्ता भी नगर का हो, सबसे बड़ा दल इस नाते पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये बात इसके लिए मैं कह रहा हूं, क्या नाम है आपका, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आमदार विधायक अगर कोई पार्टी के है तो भारतीय जनता पार्टी के है और देश में पूरे भारत वर्ष में। तसेच मुंबईचे आपले सर्वांचे असे लाडके महामंत्री माननीय सुनीलजी राणे साहेब यांचाही आम्ही सत्कार करतो। मंडळ अध्यक्ष पंजी विरान बक्कजी सुराणे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्याचं स्वागत करायचं आहे। भारत माता की, भारत माता की। आपल्याला सुपरिचित असे जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय अनिलजी ठाकूर यांचंही आम्ही इथं स्वागत करत आहोत। जोरदार भारत माता की। सर्वांनी आसनस्थ व्हायचं आहे, बाकीच्या मान्यवरांचं स्वागत आम्ही करणार आहोत। नंतर माता की और सतीश तिड़के जी शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित महामंत्री है, वो भी आदरणीय सुनील राणे जी पुष्पगुच्छ देकर तिड़के जी का भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत। अब साहब को और एक कार्यक्रम में जाना है, इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं और डायरेक्ट अपने पदाधिकारियों की घोषणा करता हूं। सबसे पहले उपाध्यक्ष के रूप में स्वागत करें लाजरस ठोंबे जी के बाद आर्मगम चेटियार जी, अच्छा राजू सरोज जी उपाध्यक्ष अनुशक्ति नगर विधानसभा, राजू सरोज जी, इधर इधर मोहम्मद रफीक उपाध्यक्ष, जनार्दन मुंडे मामा उपाध्यक्ष, अनुराधा वैती जी मैडम कृपया मंच पर आए उपाध्यक्ष जी, जय श्री पवार मैडम, भारत माता की, जयवंत दलवी जी उपाध्यक्ष, जयवंत दलवी जी उपाध्यक्ष, मनोज मात्रे जी, मनोज मात्रे जी उपाध्यक्ष, मजीद ईमानदार जी उपाध्यक्ष। सर्वांनी बसायचं आहे, कार्यक्रम संपलेला नाहीये।
सर्व कार्यकर्ता कृपया बसायचे आहे. मी आपले मुंबईचे महामंत्री माननीय सुनील जी राणे साहब, जिला के पूर्वाध्यक्ष और यहाँ के नगर सेवक शिवशंकर खरटमल जी, इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के चेंबूर विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल वरुण, इस जिला के महामंत्री राजेश शिरवाड़कर, नगर सेविका सौ राजश्री शिरवाड़कर, चेंबूर के नगर सेवक श्री महादेव शिवगण जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जिन जिन पदाधिकारियों की आज घोषणा हुई है उन सभी पदाधिकारियों का मैं मुंबई की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं और आपको सभी को शुभेच्छा देता हूं. वैसे मैं जानता हूं कि पंकज सुराणा ने कार्यक्रम के मेरे भाषण के पहले खाने का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके लिए पंकज जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि खाने के बीच में भाषण करना कितना कठिन होता है वो आप मेरे जगह पे यहां पर आओगे तो पता लगेगा. इन्हें मंच पर विराजमान बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं की नजर वहां पर है, जो वहां पर सामने सुनने के लिए आए हैं वो भी मन में सोच रहे हैं कि भाषण कब खत्म होगा. इन्हें ऐसे परिस्थिति में यहां पर आके भाषण करना और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है उसके बारे में आने वाले नए कार्यकर्ताओं को बताना कितना कठिन काम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे दिन आज शुरू है.